हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फोर्स एकेडमी एनसीईआरटी। जैसा कि आपको पता है बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं सिक्स क्लास के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है नोइंग अवर नंबर्स। ठीक है, उसकी हम एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं और उसका भी क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। इससे पहले के क्वेश्चन अगर उसमें किसी को दिक्कत है तो आप मेरे चैनल पर जाके आप उसकी वीडियो देख सकते हैं, उसका सोल्यूशन मैंने दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर 2825 कितना 2825 स्क्रू अ डे। ठीक है, मतलब एक मशीन है जो 2825 स्क्रू मैन्युफैक्चर करती है अ सिंगल डे, एक दिन के अंदर। ठीक, सो नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर इन वन डे कितना है 2825। ठीक है, कितना स्क्रू बनाते हैं 2825 अ सिंगल डे। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ मैनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस, ठीक है, इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। देखिए, सो नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर इन, देखिए अब यहां पर है, यहां पर देखिए बेटा क्या बोल रहा है, जनवरी 2006 में। ठीक है, आपको जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं। देखिए, आपको पता है कि हर मंथ में अलग अलग डेज होते हैं। ठीक है, किसी में 31 डेज होते हैं, किसी में 30 डेज होते हैं, कभी 28 डेज होते हैं फेब में। ठीक है, और कभी कभी लीप वर्ष में 29 डेज होते हैं फेब्रुअरी में। ठीक है, बट नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो उसको कैसे याद रखेंगे, उसका दो तरीके हैं। ठीक है, दो तरीके। पहला, ऐसे कीजिए हाथ, जनवरी जब ऊपर आएगा ना, देखिए ये है जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो जो ऊपर उठेगा वो क्या होगा, वो 31 डेज का होगा, 31 डेज। फिर फेब्रुअरी ऑलरेडी डाउन है, 28 डेज का होता है, मार्च 31 डेज, ठीक है, अप्रैल, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल क्या है 30 डेज का हो गया, अप्रैल, मई 31 डेज का हो गया। ठीक है, मई, जून फिर 30 डेज का हो गया। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर आएगा। दूसरा एक है, उसमें क्या है, जून, नवंबर, अप्रैल एंड सितंबर। क्या, जून, नवंबर, अप्रैल एंड सितंबर, ये चार है। ठीक है, 30 डेज के ये चार मंथ जो है वो 30 डेज के हैं, फरवरी 28 डेज का है, बाकी सब 31 डेज के। समझ के, जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर क्या है 31 डेज के। ठीक है, 30 डेज के, ठीक है, फरवरी 28 डेज का, बाकी सब 31 डेज के। तो जनवरी में कितना हो गया 31 डेज, 31 डेज। मतलब ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्क्रू जो एक दिन में मैन्युफैक्चर हुए इतने हुए, तो 31 दिन में, जनवरी महीने में ना, 31 दिन में कितने मैन्युफैक्चर होंगे, तो क्या करेंगे हम 2825 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर। ठीक है, एक दिन में इतना, तो 31 दिन में कितना। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 2825 × 31। ठीक है, अब करते हैं। देखिए, सबसे पहले है, जब वन से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम डिजिट आ जाती है, तो 5, 2, 8, 2, ठीक है,
5 to 8 आ गया। अब देखो मल्टीप्लाई में 3 5 जा 15, ठीक है 3 5 जा 15 का 5, 3 2 जा 6 7 7, 8 3 जा 24, 3 2 जा 6 7 8, 5 7 5 7 8, ठीक है। सो जो टोटल स्ट्रू बने वो कितने बने, 8 7 5 7 5, ठीक है। कितने बने, 8 7 5 7 5, मतलब 87,575 स्क्रू मैन्युफैक्चर इन जनवरी मंथ, ठीक है। सो क्या लिखेंगे हम, अब इसको हटा देते हैं, हम इसको हटा देते हैं। देयरफोर एट्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी फाइव स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी 2006, ठीक है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो इस क्वेश्चन में, अगर समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन